राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं पंडित विशाल शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सम्मुख 28 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको व्रत, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य महत्वपूर्ण उपाय निःशुल्क प्राप्त होते रहेंगे। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। आज दिन मंगलवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो रात्रि 3 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र स्वाति है जो प्रातः 9:40 तक रहेगा। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शुभ है। कर्ण, बालव, कौलव है। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे के मध्य रहेगा। आज अभिजित मुहूर्त 11:51 से आरंभ होकर 12:46 तक रहेगा और सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा और शाम को 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज लौकी की सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पूरब दिशा में है। पूरब दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दूध पीकर करें, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके निमित्त उपाय, आप भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर शक्कर मिश्रित दूध चढ़ाएँ, इससे आने वाला समय मंगलमय रहेगा। सज्जनों, आज जानेंगे विशेष उपाय में पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन, अर्थात भगवान पार्थिव लिंग का पूजन, जिसके पूजन करने से रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और धन वैभव की प्राप्ति होती है। यह सब जानेंगे राशिफल के पश्चात। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। आज आपका दिन मंगलमय रहेगा, लेकिन मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। अपने मस्तिष्क को, मन को शांत रखें, धैर्य से कार्य करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बादामी। वृषभ राशि। आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। बड़ों की बातों को ध्यान में रखें, पालन करें, लाभ होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। मिथुन राशि। आज आपको सहयोगियों से विचार विमर्श करके कार्य करना चाहिए। कार्य करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। दिन मंगलमय है। शुभ अंक 9, शुभ रंग पिंक। कर्क राशि। आज धन लाभ के योग बने हुए हैं। नया कार्य अगर आरंभ करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। सिंह राशि। आज वाणी में मिठास रखें। जो अधूरे कार्य हैं वह आज पूर्ण होने वाले हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग ऑरेंज। कन्या राशि। आज आप अपने भोजन में शुद्धता रखें। व्यापार क्षेत्र में मित्रों की सहायता से, बड़ों की सहायता से लाभ प्राप्त होगा। विवाद से बचें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफ़ेद। तुला राशि। आज पुराने कार्य या पुरानी बात को लेकर मन और मस्तिष्क में तनाव की स्थिति हो सकती है, अतः धैर्य से कार्य को करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग बैंगनी। वृश्चिक राशि। आज दूसरों के साथ व्यवहार मधुर रखें। पैसे का लेन देन ध्यान से करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। धनु राशि। आज दिन भाग्यशाली है। प्रत्येक कार्य में लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग ग्रे। मकर राशि। आज अल्प प्रयास से ही आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होने वाली है। चिंता से बचें, लाभ आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग स्काई ब्लू। कुंभ राशि। आज आप परोपकारी बने, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। मीन राशि। व्यवसाय क्षेत्र में आपको आज सफलता प्राप्त होने वाली है। हर कार्य आपके सफल होने वाले हैं और पूर्ण रूपेण आप आज प्रसन्न रहेंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। चलिए सज्जनों, अब जानते हैं भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन, पार्थिव शिवलिंग का महत्व और पूजन विधि, क्या इससे लाभ होते हैं। कहा जाता है रोग कष्ट को दूर करने वाला और सकल कामनाओं की सिद्धि करने वाला पूजन है पार्थिव पूजन। भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन हर प्रकार की समस्याओं को, हर संकट को दूर करता है। सावन माह में या किसी भी महीने में, सावन में तो प्रत्येक दिन मंगलमय है और बाकी अन्यत्र किसी महीने में हम कराते हैं तो तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि को देखकर, शिववास आदि देखकर पार्थिव पूजन कराना चाहिए। पार्थिव पूजन में मिट्टी आप ले सकते हैं, शुद्ध वृक्ष के नीचे की पीपल के जड़ की मिट्टी ले सकते हैं, बरगद की, बेल के फल की, वृक्ष की, या आम के पेड़ की, शुद्ध जो बड़ा पेड़ है, पूजनीय है, उनके जड़ की मिट्टी हम ले सकते हैं। और गोबर से शिवलिंग बनाए जाते हैं। फल, फलों के रस से गूंथकर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। जौ के आटे के, तिल के आटे के, चावल के आटे के, कई प्रकार के शिवलिंगों का, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है, जिससे अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है।
प्रत्येक कामना के लिए अलग अलग पार्थिव लिंग बनाए जाते हैं। कहा गया है ब्राह्मणों के लिए सफ़ेद अगर मिट्टी के बना रहे हैं तो सफ़ेद मिट्टी, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी शिव पुराण के अनुसार बताई गई है। और शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले पार्थिव पूजन कलयुग में ऋषि कुष्मांड के पुत्र मंडप ने आरंभ किया था, उसके बाद से यह परंपरा हमारे सनातन धर्म में कलयुग में आरंभ हो गई है। और आप सभी ने सुना होगा जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने गए थे तो लंकेश्वर तो भगवान शिव का आराधक, शिव का परम भक्त था, साधक था, तीनों लोग उसके वश में हो गए थे। तो उस पर विजय प्राप्त करने से पूर्व भगवान राम ने भी भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन किया। समुद्र के किनारे बालू की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके षोडशोपचार पूजन करके बड़े ही भव्य तरीके से भगवान का पूजन किया, आवाहन किया। उसके पश्चात भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद, शिव की कृपा प्राप्त करने के पश्चात लंकेश्वर रावण पर विजय प्राप्त की। और वह सभी जानते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज विख्यात है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और उस मनोहर दिव्य क्षण को याद करते हैं जब भगवान वहां आए थे और उन्होंने इस लिंग का निर्माण किया था। महाभारत में भी हमें देखने को प्राप्त होता है, महाभारत में भी कई जगह दृष्टांत आए हैं कि पांडवों ने वनवास के समय में भी जगह जगह पार्थिव लिंग का निर्माण किया और अन्य शिवलिंगों का निर्माण किया। जितने वर्ष वे वनवास में रहे, जहाँ जहाँ रहे, वहाँ भगवान के शिव मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया। और वैसे शिवलिंग का जिस प्रकार से पूजन किया जाता है, वैसे ही पार्थिव लिंग का पूजन किया जाता है। लेकिन पार्थिव पूजन में शिव का आवाहन किया जाता है, शिव परिवार का आवाहन किया जाता है और पंचोपचार से अधिक षोडशोपचार या उससे भी राजोपचार इत्यादि को लेकर पूजन किया जाता है। बड़ी महिमा है पार्थिव पूजन की। शिव पुराण के अनुसार जीवन में पार्थिव पूजन करने वाला मनुष्य धन धान्य, पुत्र पौत्र, संपत्ति आदि से युक्त होकर नाना प्रकार के सुखों को भोगने वाला तथा मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम को प्राप्त करने वाले अधिकारी होता है, अर्थात शिव धाम को वह प्राप्त करता है। पार्थिव पूजन घर में किया जा सकता है, मंदिर में किया जा सकता है, तीर्थ में किया जा सकता है या कहीं शुद्ध स्थान हो तो वहाँ पार्थिव पूजन किया जा सकता है। इस पूजन में एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, 5, 11, 21 या इससे भी अधिक संख्या ब्राह्मणों की हो सकती है। उनके द्वारा रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और महाभिषेक किया जाता है तथा इसके पश्चात भगवान का श्रृंगार आदि करके भगवान को भोग इत्यादि लगाकर महाआरती की जाती है और बड़ा ही भव्य भगवान का पूजन है। और इसके पश्चात विसर्जन का जो नियम है, कहा गया है कि शुद्ध जल में, शुद्ध नदी में इसको विसर्जन करना चाहिए। जैसे दिन में पूजन हुआ तो संध्या काल के समय इनका विसर्जन आवश्यक है। अगर जल शुद्ध प्राप्त नहीं होता है तो कहीं शुद्ध वृक्ष के नीचे आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा ना हो तो कहीं मंदिर में वृक्ष आदि हो तो वहाँ पर आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। और पार्थिव लिंग का निर्माण करने से पूर्व ये ध्यान रखना चाहिए कि 12 अंगुली से ऊँचे शिवलिंग नहीं हो, पार्थिव लिंग नहीं होने चाहिए। इनकी संख्या 1 से आरंभ करके और 10 करोड़ पार्थिव लिंग का पूजन और उनका पूजन का विधान शिव पुराण में कहा गया है। पार्थिव पूजन में लिंग के साथ, पार्थिव लिंग के साथ गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी, पार्वती आदि देवताओं का, शिव परिवार का पूजन किया जाता है। पार्थिव पूजन को जीवन में एक बार करने से भी या प्रत्येक वर्ष हम करते हैं, जन्मदिन है या अन्य भी कोई शुभ समय है जब हमें पार्थिव पूजन करना है और अगर हम पार्थिव पूजन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, भाग्य बलवान होता है और जीवन में हर प्रकार के सुखों की हमें प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निःशुल्क आपको धर्म से जुड़ा हुआ सनातन धर्म ज्ञानवर्धक ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, सुखी रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।